हेलो गाइज, वेलकम टू अशोक कुमार इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। तो हमारे पास गाइज सिमेक्स कंपनी का देख सकते हो इसका मॉडल गाइज, जो कि एम्पलीफायर है गाइज। तो इसको ठीक करना है। आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, प्लस चेक कर सकते हो, प्लस सामान लगा सकते हो इसमें गाइज, हम इसके बारे में आपको नज़र देंगे और बताएंगे कि आप घर पे गाइज कैसे इसको सही कर सकते हो। तो गाइज फाइनली हम चेक करने का सबसे आसान तरीका गाइज आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप पहले सीरीज में लगाए। तो फाइनली गाइज हम इसको सीरीज में लाइट देखते हैं और देखते हैं गाइज इसमें क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है गाइज। तो गाइज ये हमारा सीरीज बोर्ड आ गया और ये गाइज हमारा पावर ऑन ऑफ रहा। तो देख सकते हो गाइज कि इसमें पावर नहीं आ रहा। तो गाइज फाइनली इसमें पावर क्यों नहीं आ रहा इसके बारे में बताएंगे गाइज और चेक करेंगे तो ही पता चलेगा गाइज। तो फाइनली हम इसको खोलेंगे। पहले इसका देख सकते हो गाइज मैनुअल, ये हमारा मिक्स का है यानी कि माइक का टोन है जो कि एक टोन टूटा पड़ा है गाइज, और ये हमारा टेप का है, मिक्स का है और एक्स बास का है यानी कि एक एक्स्ट्रा बास होता है, ये दबाएंगे तो गाइज हमारा एक्स्ट्रा बास बढ़ जाता है। तो गाइज इसका है, देख सकते हो इसका मैनुअल। और ये गाइज हमारा बैलेंस का है। बैलेंस का मतलब ये होता है गाइज कि हमारा एक स्पीकर कम चलाना है और दूसरे ज़्यादा चलाना है, तो इसके लिए होता है गाइज, दो चैनल में ये अधिकतर होता है यो। तो गाइज इसके लिए और ट्रेबल है और बास है गाइज, देख सकते हो इसका, और इसका मेन वैल्यूम हो गया गाइज। तो फाइनली गाइज हम इसको अब इसको खोलेंगे और देखते हैं गाइज इसमें क्या दिक्कत है। तो फाइनली गाइज हम तार को निकाल देंगे बाहर। अब गाइज हम पेचकस ले लेंगे और देखते हैं गाइज इसमें अब ये नट खोलेंगे गाइज। तो फाइनली इसको खोल के दिखाता हूँ और चेक करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ गाइज कि आप कैसे इसको सही कर सकते हो और प्लस चेक कर सकते हो गाइज। तो गाइज हम एक एक नट इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ इसमें कैसा सर्किट है, क्या हिसाब से है गाइज, एक एक चीज़ बताऊँगा इसके बारे में गाइज, आप कैसे बदल सकते हो और कैसे इसको रिपेयरिंग कर सकते हो गाइज। तो गाइज देख लो कि हमारा जो है नट तो खुल गया है। अब इसका बैक ऊपर कर लेंगे गाइज, फाइनली इसमें देखते हैं क्या दिखा है। देख सकते हो गाइज इसका बैक खुल गया। तो गाइज देख सकते हो कि गाइज इसमें बीटी प्लेट सर्किट नहीं गाइज, ध्यान से देखोगे तो बीटी प्लेट भी नहीं है गाइज। कस्टमर का आना है कि इसमें बीटी प्लेट का भी कनेक्शन करना है और इसके बारे में समझाऊँ गाइज कि आप इसमें बीटी प्लेट कैसे मॉड्यूल को डाल सकते हो गाइज। देख सकते हो हमारा फ़ोन से चलने वाला ओनली सिस्टम है गाइज, देख सकते हो इसका मैनुअल। तो गाइज इसके बारे में आपको भी नॉलेज दूंगा। तो गाइज आपको इसको सीखने वाला सब चीज़ मिलेगा गाइज, आप कैसे इसको रिपेयरिंग प्लस चेक कर सकते हो। तो फाइनली गाइज देख सकते हो कि हमारा ट्रांसफार्मर है गाइज, ओनली 12 का ट्रांसफार्मर है गाइज, देख सकते हो ये हमारा दो तार निकला है और ये इसे तीन निकलता तो 12012 हो जाता गाइज। तो ये ध्यान रखें ट्रांसफार्मर के बारे में, ध्यान रखें गाइज ये इसमें 12012 का है ट्रांसफार्मर और ये तीन तार निकलता तो 12012 लग जाता है गाइज। तो देख सकते हो गाइज गाइज हमारा ये इसका मदरबोर्ड है। तो गाइज इसमें लाइट नहीं आ रहा, देख सकते हो कि ये हमारा कारीगरी कर रखा है, शायद ये घर पर खोल रखे हैं गाइज, देख सकते हो। तो गाइज फाइनली इसको अटैच करके देखता हूँ इसमें लाइट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि कोई भी काम करना है तो फाइनली गाइज पहले हम ऑडियो सब चेक करेंगे फिर इसमें बनाने के प्रोग्रेस आगे करेंगे। क्योंकि गाइज कई बार क्या होता है कि हम चेक कर बिना सारे सिस्टम को बदल देते हैं और फिर लास्ट में क्या होता है तो कोई और कोई दिक्कत आ जाता है तो कस्टमर नट जाता है बनाने से, तो इसलिए गाइज हम बिल्कुल भी धोए तो इसको चेक करेंगे। तो फाइनली देखते हो कि हमारा टाका टूट गया गाइज, तो हम इसको जोड़ेंगे फिर इसमें लाइट देके देखते हैं। तो गाइज मैं तार को शॉर्ट कर दिया हूँ, देख सकते हो ध्यान है कि हम बॉडी में ना सटे इसमें, अन्यथा गाइज हमारा कई बार क्या होता है सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो जब भी चेक करें गाइज आप सीरीज में बस चेक करें, कई बार सट भी जाता है तो कोई डिफेक्ट नहीं होता गाइज। तो फाइनली हम इसको तार सीरीज में लगा दिए गाइज। तो गाइज शायद देख सकते हो कि हमारा लाइट आ चुका है गाइज, देख सकते हो हमारा ऑन हो चुका है गाइज, देख सकते हो। तो गाइज इसका स्पीकर जेक भी ख़राब है, देख सकते हो स्पीकर जेक भी डालना है। तो गाइज फाइनली हम इसमें स्पीकर चेक पहले नहीं डालेंगे, पहले गाइज हम यहाँ पे टाका मारेंगे फिर गाइज हम ऑडियो को चेक करेंगे, हमारा ऑडियो सही नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ
कि आप इसको कैसे कर सकते हो। तो गाइस जो फ्यूज सॉकेट होता है गाइस टूट गया है, अब मैं अपने खजाना में देखता हूँ गाइस हमारा फ्यूज सॉकेट है या नहीं है। तो फाइनली गाइस हम फ्यूज देखते हैं हमारे पास है या नहीं है। तो गाइस देख सकते हो हमारे पास फ्यूज है, इस वाल टोटली गाइस हम बताएंगे आपको इसको कैसे सही कर सकते हो और चेक कर सकते हो। गाइस कस्टमर कहना है कभी बास आता है, कभी आवाज़ कम भी हो जाता है, कभी वॉइस भी कम हो जाता है, कभी ट्रेबल ज़्यादा ओपन डाउन हो जाता है, कभी चिड़चिड़ा बैठता है। इस फॉल्ट में आपको बिल्कुल भी बहुत तरीके से बताऊँगा कि आप इसको कैसे रिपेयरिंग कर सकते हो गाइस। तो फाइनली गाइस हम ये तो चेक कर लेंगे हमारा लाइट ओके है, तो गाइस हम फ्यूज को डालेंगे, फिर आएगा इसका प्रोसेसर आपको वीडियो में बताता हूँ। तो गाइस देखते हो ये इस तरह खुलेगा और गाइस हमारा जो ये नक्का है सुराग है इसमें गाइस फ्यूज डालेगा। फ्यूज गाइस हम 10 एम्पीयर तक डाल सकते हैं देख सकते हो। अब मैं डालूंगा इसमें फ्यूज, फिर इसका कनेक्शन करूंगा, फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे कस जाएगा। तो फाइनली गाइस ये जो सिस्टम है गाइस ये आगे रहेगा, इसको कसने के लिए सबसे पहले गाइस हम नट को खोल लेंगे, देख सकते हो नट है, तभी हमारा बॉडी सही हो कसा जाएगा, ये ध्यान रखें। तो फ्यूज भी कसने का भी एक कला है गाइस, हर चीज़ में दिमाग होना चाहिए जरूरी, ये नहीं है कि हम सारे बताएंगे, अपने पाप से भी कुछ दिमाग लगाना पड़ता है गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा नट खुल गया और ये गाइस हम यहाँ पर कस देंगे। कसते टाइम ध्यान देना है कि ये जो वाशर है गाइस हमारा आगे की तरफ होना चाहिए, फिर नट एक नट पीछे की तरफ होना चाहिए, तभी जो हमारा गाइस है सही से ये नट जो है सही से चपकेगा और इस फ्यूज सॉकेट को गाइस हिलने नहीं देगा, ये ध्यान रखें। तो फाइनल गाइस देखते हो कि हमारा सही से कस चुका है इस पोल पर और इस पोल पर गाइस हम टाका मार देंगे और गाइस हम यहाँ पर फ्यूज लगाएंगे और फ्यूज लगाते गाइस हम इसको ढक्कन को बंद कर देंगे। तो ये जो हमारा सॉकेट है गाइस कस के और फ्यूज लगे गाइस कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस हम इसमें फ्यूज लगाने के लिए अब देखते हैं हमारे खजाना में फ्यूज है या नहीं इसका। तो गाइस देख तो कि हमारे पास फ्यूज पड़ा है, तो फाइनली हम फ्यूज को डाल देंगे गाइस। गाइस कई बार क्या होता है कस्टमर सोचता है कि उल्टा डालना है सीधा डालना है, तो इसके गाइस उल्टा सीधा नहीं होता, इस साइड से जलो चाहे उस साइड जलो कोई चक्कर नहीं होता इसमें। अब डाल के गाइस हम नट कस देंगे, नट कस देंगे गाइस ध्यान रखें। गाइस थोड़ी मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ इसलिए थोड़ी गाइस थोड़ी प्रॉब्लम होता है। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो है सॉकेट कस चुका है सही से तरीके से गाइस हम कस देंगे गाइस, ये ध्यान रखें कसते टाइम। तो गाइस इसका जो है फाइनल हो गया। अब गाइस ये जो दो टाका दिख रहा है गाइस ये हटा के एक टाका इस पर लगा देंगे और एक टाका गाइस हमारा दूसरे वाली पत्ती पर लगा देंगे, एक टाका इस पर आएगा एक टाका इस पर आएगा, तो ये जो हमारा है फ्यूज लग के तैयार हो जाएगा जी। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है गाइस। गाइस लाल तार चाहे इस पर जोड़ो चाहे ये तार इस पर जोड़ो गाइस इसका कोई अंतर नहीं गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस इसको रिपेयरिंग कैसे करना है गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ और ये गाइस जो वीडियो है ये लंबा होने वाला है, तो गाइस इसमें हो सकता है कई काम हो सकता है। तो गाइस हम स्पीकर चेक करने के लिए गाइस हमारा सॉरी ये हमारा बोर्ड चेक करने के लिए हम यहाँ पर गाइस हम टाका मारेंगे, फिर हमारा मेन टोन पर ऑडियो चेक करेंगे। तो गाइस देख सकते हो कि हमने स्पीकर का तार लगा दिए गाइस, आपको बता दे कि ये दो चैनल का है गाइस, एक चैनल का ये आईसी रहा एक चैनल का ये रहा आईसी। तो गाइस ये जो आईसी है गाइस
गाइस देख सकते हो TDA 2009 AIC है गाइस, देख सकते हो इस आईसी के बारे में बता दिया गाइस। और ये हमारा गाइस 5408 की डेड लगा है जो कि सप्लाई के लिए बहुत अच्छा डेड होता है गाइस, ये ध्यान रखें। तो फाइनली गाइस हम इसमें लाइट दे देंगे गाइस, और इसको देख सकते हो कि हमारा लाइट भी आ चुका है गाइस। तो गाइस मैं इसको ऑडियो चेक कर लेंगे, ध्यान देना गाइस कि हमारा जो स्पीकर है गाइस थोड़ी सा अंदर पड़ा है इसलिए आपको थोड़ी कम सुनाई देगा, लेकिन ध्यान सुनोगे तो सुन दीजिएगा। तो गाइस हमारा जो है ऑडियो बिल्कुल ओके है गाइस। अब दूसरी चैनल का ऐसे ही चेक कर लेंगे, ये जो तार है हम यहाँ पर जोड़ेंगे, फिर दूसरी आईसी का भी गाइस हम ऑडियो चेक करेंगे, फिर इसको बनाएंगे गाइस। पावर दे दिए, देख सकते हो कि हमारा दूसरा स्पीकर चेक होगा, दूसरा आईसी का चैनल चेक होगा, देख सकते हो कि हमारे स्पीकर पर फिर गाइस हम ऑडियो चेक करेंगे। तो गाइस इस पर जो है ऑडियो कम आ रहा है, देख सकते हो गाइस ऑडियो हमारा बिल्कुल ओके है गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस ये जो है लगभग हमारा आईसी जो है सही है, बस सत्य गाइस जब हमारा जो है अब ये टोन बदलेंगे, एक दो और तीन गाइस हमारा तीनों टोन बदलेंगे, फिर इसको देखते हैं गाइस इसमें क्या दिक्कत है गाइस। ध्यान है कि इसमें आ गाइस हम बीटी प्लेट भी बैठाना है, तो इसके बारे में भी आपको समझाऊँ गाइस कैसे बैठा सकते हो। तो फाइनली सबसे पहले गाइस हम स्पीकर जैक को नया डालेंगे, ये ध्यान रखें जो मेन प्रॉब्लम है गाइस पहले वो डाल दें, जैसे देख सकते हो हमने फ्यूज डाल दिया, अब गाइस हम स्पीकर जैक को डालेंगे। तो हमने स्पीकर जैक भी नया ले लिए, देख सकते हो गाइस अब इसको अब उसमें कसेंगे। कसने के लिए गाइस एक साइड ये नट है, एक साइड ये नट है, तो गाइस हम नट को खोलेंगे, फिर गाइस हम इसको बैठाएंगे गाइस, ये ध्यान रखें। तो फाइनली हम इसको नट को खोल के गाइस आगे का वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि गाइस धीरे धीरे ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो गाइस थोड़ी समस्या होता है, क्योंकि गाइस लोग बहुत कम देखना स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को, लेकिन ध्यान है गाइस जितना वीडियो लंबा होता है गाइस उसमें दिमाग भी और काम भी ज़्यादा होता है गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस देख तो कि हमने खोल के सॉकेट को हटा दिया, ध्यान रहे गाइस कि हमेशा लाइट पावर कट करने के बाद ही इसका रिपेयरिंग करें, अन्यथा देखते तो खुली तार होता है गाइस, कई बार क्या होता है कि सट जाता है तो गाइस जो हमारा आईसी है ख़राब हो जाता है गाइस, ये ध्यान रखें गाइस। तो फाइनली हम सॉकेट नया डालेंगे और फिर गाइस हम कनेक्शन करके दिखाते हैं इसको। तो गाइस ये गाइस सॉकेट, और गाइस हम इस पीछे से लगा देंगे और जो नोट खोलेगा इस साइड वाला कस देंगे। तो गाइस हमारा जो है स्पीकर जैक कस के रेडी हो चुका है गाइस। तो फाइनली इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले गाइस देख सकते हो कि इस पर पेस्ट मारेंगे और फिर गाइस इस पर टाका मारेंगे, फिर हम तार लगाएंगे, यह ध्यान रहे गाइस कोई भी तार चिपते हो तो गाइस या चाहे कहीं भी टाका मारते हो गाइस तो पेस्ट अवश्य लगाएं, क्योंकि पेस्ट जो होता है गाइस सही से तार को पकड़ करता है। जिस हिसाब से हम ब्रश पर पेस्ट मारते हैं कि हमारा दांत साफ हो, इसलिए इसको भी हम पेस्ट लगाते हैं ताकि जो है इस पर है सही से हमारा टाका जो है सही से लग जाए, ये ध्यान रखिए गाइस। तो गाइस देख सकते हो कि हमने टाके भी लगा दिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारा जो इस पे कार्बन होता है गाइस वो सही से चिपक जाता है। तो गाइस स्पीकर का तार ध्यान रखे लगाते टाइम, एक चैनल का यह है और दूसरे चैनल का यह है गाइस, देख सकते हो गाइस तो इस पर घबराए ना गाइस, एक तार लगाए जैसे लगाते वैसे, जैसे यहाँ से हटाते वैसे ही जोड़े गाइस, नहीं तो आप घर पर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो गाइस इसमें से अगर घबरा जाओगे तो गाइस जो हमारा आईसी है गाइस काम करना अलग अलग काम करने लगता है गाइस, तो ये ध्यान रखें। तो गाइस इसे ये देखते हो ये और ये गाइस एक चैनल का है, ये और ये एक चैनल का है, ध्यान रखें गाइस एक एक तार हटा के लगाएंगे अगर आपको घर पे काम कर रहे तो। तो गाइस देख लो कि हमारा जो है स्पीकर जैक पे स्पीकर का तार गाइस टाका लग जाएगा, ये ध्यान रखें गाइस
ये नीली गैज, ये जो तार है अगर यहाँ पे भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ध्यान रखें ये तार जो है इस पोल पे ना लग जाए, ये तार इस पोल पे ना लग जाए, ये ध्यान रहे गैज, नहीं तो जो है सही डिफेक्ट में हमारा आईसी जो है ख़राब होने का डर रहता गैज। तो ये ध्यान रखें लगाए ऐसे ही, चाहे ये तार यहाँ पर लगा दे चाहे ये तार इस पर लगा दे गैज, इसका कोई रीज़न नहीं होता है। ये जो है हमारा स्पीकर जगह लग के कामयाब हो गैज। तो फाइनली हम इसमें अब इसमें तार डालते हैं गैज। तो गाइज मैं तार को लगा दिया, फिर इसमें गाइज लाइट देंगे। लाइट देते हैं हम, ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार कहता हूँ गाइज कि सीरीज में ही चेक करें। तो गाइज मैं सीरीज में लगा दिया और फिर हमारा जो है लाइट दे देंगे और लाइट भी आ गया गाइज। और फाइनली क्या है, जिस इससे स्टेप बाय स्टेप मैं बनाता जाऊँगा और गाइज इसमें सामान को डालते जाऊँगा, फिर स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझाता जाऊँगा गाइज। तो गाइज देख सकते हो कि हमारा ऑडियो आना स्टार्ट हो गया। तो फाइनली गाइज हम इसमें पहला नंबर गाइज हम बीटी मॉड्यूल को डालेंगे। क्या है कि तब भी हमारा जो है टोन के बारे में डिक्लेयर पता चलेगा, क्योंकि वीडियो बनाते हैं क्या होता है गाइज कि हम यहाँ से जो है लीड को नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखें। तो इसीलिए सबसे पहले गाइज हम इसमें बीटी मॉड्यूल डालेंगे, फिर इसका जो है अच्छी तरह से चेक करेंगे गाइज। या तो पहले लगा ही देते हैं। तो गाइज हमारे दिमाग में यह है कि पहले इसका टोन को ही बदल दे गाइज, 1 2 3 4 टोन बदलने के लिए गाइज सबसे आसान तरीका ढूंढना पड़ता है, क्योंकि गाइज ये जो है टोन गाइज हमारा इसी में कसा हुआ है, प्लेट को भी खोलना पड़ सकता है गाइज। तो फाइनली हम इसको देखते हैं, पर स्पीकर का तार हटा देते हैं, फिर इसको देखते हैं गाइज हमारा कहां से खुल सकता है। तो खोलने के लिए गाइज आप दिमाग लड़ाओगे तो सब चीज़ हो सकता है गाइज। अगर घर पे काम करें तो गाइज खोलने के लिए देख सकते हो कि हमारा ये चार इसका पावा आता है, 1 2 3 4। तो गाइज इसमें नट रहता है, नट लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा जो है ये जो है हट जाता है गाइज। तो गाइज ये नट खोल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइज हमने इसका पाव को निकाल दिया और फाइनली हम इसको हटा लेंगे। तो गाइज हट गया। सबसे आसान तरीका गाइज इसमें देखना पड़ता है कि हमारा टोन को कैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल सेफ से, आप प्लस हमारा ट्रैक ना टूटे। तो देख सकते हो गाइज इसका बनावट मदरबोर्ड का, ये गाइज हमारा आईसी का ट्रैक है, देख सकते हो। अगर कोई आईसी पर डिसोल्डर हो रहा है टाका तो गाइज आप शोल्डर लगा दे, ये ध्यान रखें गाइज, क्योंकि अगले कहना है कस्टमर का गाइज हमारा 6-7 महीना से बंद था। बंद इसलिए था कि ये जो चला रहा था तो कभी आवाज़ आ रहा था कभी नहीं आ रहा था गाइज, तो इसलिए बंद कर दिया था। अब इसको गाइज हम पहले नया डालेंगे, फिर इसमें बीटी प्लेट बाद में डालेंगे, क्योंकि कस्टमर ने कह दिया कि इसी वजह से बंद किया है। तो पहले फाइनली हम पहले बीटी प्लेट को पहले गाइज हम टोन को ही नया डालेंगे। तो सबसे आसान तरीका गाइज इसमें ढूंढना पड़ेगा कि हम यहाँ पे यहीं से शायद निकलेगा, क्योंकि हम अपना शोल्डर भी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे गाइज हम इसको निकाल लेंगे। ये ध्यान रखें गाइज निकालते टाइम कि हमारा ट्रैक ना टूटेगा, ये ध्यान रखें। काम करना है तो बिल्कुल प्यार से और विधिवत सही से करना है और दिमाग से करना पड़ता है गाइज। तो गाइज देख सकते हो कि मैं पहले पेस्ट लगा रहा हूँ। पेस्ट लगा लेंगे तो क्या है गाइज कि हमारा जो शोल्डर है गाइज सही वहाँ पर काम करेगा, फिर हम गाइज शोल्डर के हिसाब से हम गाइज हम टाका को निकालेंगे, देख सकते हो गाइज। तो गाइज हमारा पेस्ट लग चुका है, फिर इसको धीरे धीरे शोल्डर लगा के धीरे धीरे इसको जहाँ टाका लगाएगा जी हमारा साफ हो जाता है गाइज, ये ध्यान रखें। तो गाइज आप ध्यान से देखो कि जो हमारा टाका है गाइज ये उखड़ चुका है गाइज, तो आप इस हिसाब से गाइज टाका को उखाड़े। तो फाइनली गाइज हम तीनों टोन को उखाड़ने के बाद आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे गाइज, ये ध्यान रखें गाइज, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा गाइज क्योंकि इसमें कई काम है गाइज। तो गाइज देख सकते हो कि हमने तीनों टाका गाइज हमने तीनों टोन का एक एक गाइज हम टाका हटा लिए। तो गाइज आपके हिसाब से कैसे खुल सकता है गाइज, ये टाका निकाल सकते हो टोन नया डाल सकते हो गाइज, आपको भी सोचना पड़ता है गाइज। तो ये सबसे पहले गाइज हम इस नट को खोल देंगे, खोलने के बाद ये जो हमारा प्लेट है धीरे धीरे ऊपर आके गाइज ये धीरे धीरे प्लेट अंदर की तरह सरक जाएगा गाइज, ये ध्यान रखें गाइज। ये हमारा नट खोलने के बाद ये प्लेट थोड़ी आके ये बाहर को तरफ आ जाएगा, ये ध्यान रखें, ऐसे भी निकल सकता है टोन। तो गाइज अब इस नोब को निकालेंगे तो हमारा जो प्लेट खोलेंगे ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये नोब निकालेंगे प्लस इसमें जो देख रहे हो ये नट है, नट भी खोलेंगे गाइज। तो गाइज हमने पिलास की मदद से इस टोन को टोन नोब को गाइज जिसको नोब बोलते हैं और इसको गाइज टोन बोलते हैं, तो गाइज देख सकते हो निकाल लिया। अब फाइनली हम इस नट को खोलेंगे,
तो गाइस देख सकते हो इसका नट को भी निकाल दिया। अब फाइनली हम गाइस हम इसको खोलेंगे। अब फिर गाइस हो सके तो आप हीट गन मार के थोड़ी तार को नरम कर ले, अन्यथा धूप में आधा घंटा रख दे ताकि जो हमारा ये प्लेट निकालते जाएंगे हमारा टाका न टूटे, क्योंकि जब तक ये प्लेट नहीं खोलेंगे तब तक देख सकते हो गाइस कि हमारा जो टोन कसा हुआ गाइस ये आगे पीछे नोब नहीं जाएगा। अगर इस तरह निकालने की कोशिश करोगे तो गाइस ये टूट जाएगा और सही से लगेगा नहीं, ये ध्यान है गाइस। तो फाइनली गाइस हम इस नट को खोलेंगे, देखते हो नट लगा पड़ा है यो। तो गाइस देख सकते हो कि हमने प्लेट को बाहर निकाल दिया, देख सकते हो गाइस। अब धीरे धीरे करके गाइस हम इसको थोड़ी अंदर तरफ ले जाएंगे और पीछे की तरफ से गाइस हम इसको टाका उखाड़ लेंगे गाइस, ये ध्यान रखें। ऐसे कैसे प्लेट रहने देंगे गाइस, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा समस्या हो जाएगा अगर घर पर बना रहे हो तो, क्योंकि हमारा जो है टाका टूट जाएगा इस बटन का, तो गाइस आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखें गाइस। कभी भी काम करना है थोड़ी दिमाग लगाना पड़ता है गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस हमने नट खोल दिया पहला नंबर, और दूसरा नंबर देख सकते हो कि हमने प्लेट को पलट दिया। अब ये जो हमारा जो टाका वाला सिस्टम गाइस थोड़ी बाहर आ गया, ये ध्यान रखें गाइस। काम करते टाइम गाइस थोड़ी सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, ताकि जो है आपको ज़्यादा दिमाग मिलेगा और प्लस काम करने का इच्छा होगा गाइस। देख सकते हो कि हम पहले ही टाका हटा रखे हैं, कुछ बाकी है तो कुछ को भी इसी तरफ जो है अब सही तरीके से गाइस हमारा टाका और भी सही तरीके से हट जाएगा, ये ध्यान रखें गाइस। तो फाइनली एक एक टाका हटाएंगे और गाइस हम टोन को बदलेंगे गाइस। तो गाइस देख सकते हो कि हमने बैलेंस वाला टोन को गाइस हम बाहर निकाल दिया गाइस। तो आप ऐसे ही काम करें, देख सकते हो कि हमारा बैलेंस का टोन बाहर निकल चुका है। तो सेम टू सेम गाइस हमारा थोड़ी बहुत आयरन लगा है, तो इस पर थोड़ी थोड़ी आयरन घुमाते रहेंगे तो जो हमारा जो है गर्म होकर गाइस बाहर आ जाएगा, ये ध्यान है गाइस। ज़्यादा खींचाता ना करें अन्यथा जो हमारा ट्रैक टूट जाए। तो गाइस देख सकते हो कि ये भी निकल गया, अब गाइस इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे, देख सकते हो गाइस कि हमारा ये भी निकल गया, ये ध्यान रखें गाइस ये निकल चुका है गाइस। तो फाइनली देख सकते हो गाइस सौके का टोन है गाइस, जहाँ तक आइडिया है सौके का गाइस टोन यो, तो टोन लगाएंगे गाइस। तीन टोन को हमने निकाल दिया गाइस, अब नया डालेंगे। ध्यान रखें कि एक अच्छे क्वालिटी का ही डालें गाइस, क्योंकि इस तरह का सिस्टम जो है गाइस बार बार रिपेयरिंग नहीं होता, क्योंकि इसमें गाइस ज़्यादा टाइम लगता है। देख सकते हो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ इसमें कितना दिक्कत है गाइस। इस तरह के डेक को रिपेयरिंग करने के लिए गाइस हमेशा दिमाग से ही काम करें, प्लस जो भी सामान लगाते हो गाइस अच्छे क्वालिटी के लगाए। तो फाइनली गाइस अपने खजाने में से गाइस हम अच्छा से अच्छा टोन को देखते हैं गाइस कौन सा है। बैलेंस के लिए एक अच्छा टोन ले लिए, देख सकते हो गाइस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इस गुड टोन का। पहले वाला देख सकते हो गाइस ये अलग टोन होता है, और ये गाइस थोड़ी अच्छा क्वालिटी का टोन होता है गाइस, ध्यान रखें, क्योंकि इसको बार बार गाइस हम डाल नहीं सकते गाइस। ये आ गया हमारा सौके का टोन, देख सकते हो छः पिन में होता है गाइस, एक सौके का टोन गाइस और आएगा। तो फाइनली गाइस जो हमारा है टोन निकल चुका है तीनों, हम नया डाल देंगे गाइस। फाइनली गाइस हमने सामान को रख दिए डालने के लिए। गाइज हम पहले इस टाके में पेस्ट लगा देंगे, पेस्ट लगाते टाइम क्या होता है कि हमारा जो है टाका सही से लग जाता है गाइज, फिर मैं इसे इसमें डाल के और टाका को मार देंगे, फिर मैं आपको टाका मार के दिखाता हूँ इसका। तो गाइज एक और आपको राज का बात बताने वाला हूँ गाइज, जब भी टोन डालें पहले इस पर देख ले गाइज, देख सकते हो कि ये हमारा एक लुक होता है गाइज, ये टूटा पड़ा है जैसे, देख सकते हो कि हमने इसमें तोड़ नहीं रखे, देख सकते हो गाइज ध्यान से देखोगे तो यह लुक है। तो गाइज फाइनली हम तोड़ देंगे, ये जो है बॉडी से सही टच होकर गाइस हमारा कस जाता है, ये ध्यान रखें गाइस। ये काम छोटी छोटी चीज़ गाइस आपको नॉलेज करने वाली बात होती है, अच्छा कस दोगे तो फिर उसमें गाइस ये जो है सही से कसा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें गाइस। और फाइनली गाइस हम इसका भी तोड़ दिए, और गाइस हमारा इसका भी तोड़ दिया, अगर नहीं तोड़ोगे तो गाइस इतना दूर का वासर देना पड़ जाएगा, ये ध्यान रखें गाइस। तो गाइस देख दो कि हमारा बैलेंस वाला टोन डल के रेडी हो चुका है, सेम टू सेम गाइस इसको भी डाल लेंगे गाइज। हमारे चैनल पर गाइज फेक वीडियो नहीं बनता है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो बनेगा, आप प्लस आपको एक्यूरेट समझाऊंगा कैसे आप इसको काम कर सकते हो और रिपेयरिंग कर सकते हो। तो फाइनली गाइज देख सकते हो कि हमारा जो है बैलेंस का टोन डल के रेडी हो चुका है, तो फाइनली गाइज हम इसको भी डालेंगे गाइज। पहले स्पिन को सीधा करके टोन का, फिर गाइज हम इसमें एडजस्ट करके फिर उसको पलट के गाइज हम टाका मार देंगे, ये ध्यान रखें, बाद में हम मेन टोन को बदलेंगे। ये गाइज हमारा बास का है, ये ट्रेवल का है, ये बैलेंस का है, ये ध्यान रखें गाइज। तो फाइनली गाइज इसमें टाका मारेंगे। तो गाइज पहले क्या किया, पहले टोन को लगाया, फिर गाइज हम पेस्ट लगाया, फिर गाइज हम टका मारेंगे, ये ध्यान रखें। देख सकते हो गाइज पेस्ट को लगा रखे हैं, फिर गाइज हम टका मार देंगे। पहले हम बैलेंस का टका टोन का टका मार रखें, ध्यान रखें गाइज, और कोई ट्रैक डैमेज होता है तो गाइज आप इस हिसाब से जम्पर लगाएं, अन्यथा जो है बैलेंस का ट्रैक गाइज काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखें गाइज।
गाइज एक और आज का बात बताने वाला हूँ आपसे, आपको बाज बिल्कुल हमारे चैनल बिल्कुल एक्यूरेट आपको समझाने का तरीका मिलेगा। देख तो गाइज पहले एक साइड ये मारा फिर एक साइड ये मिले, इससे क्या होता है गाइज जो है हमारा जो टाका है नीचे ऊपर नहीं होता गाइज। तो आप इस हिसाब से छः पिन का अगर टोन डालते हो तो गाइज इस हिसाब से डाले, क्या होता है कि हम इसको भी मार देंगे और इसको भी मार देंगे तो कई बार क्या होता है जो टांग होता है इसका छः पिन गाइज ऊपर नीचे हो जाता है। ये ध्यान रखे पहले इसको मार दिए फिर इसको मार दिए फिर गाइज इसको मार दिए, देख सकते हो फिर इसको मार दिया और फाइनली जो है हमारा एक सही तरीके से गाइज हमारा जो टिक गया है, ना ऊपर हो जाएगा ना नीचे होगा, फाइनली हम गाइज जो बचा हुआ ट्रेक को गाइज मार देंगे टांग के। तो गाइस जो है देख सकते हो हमारा टाकल लग के कम्प्लीट हो गया गाइस, फिर भी आपको एक और बता रहा हूँ गाइस, ये हमारा कई बार निकालते टाइम जो है क्योंकि बिल्कुल हाल एक ट्रैक है कई बार डैमेज होता है, तो गाइस हम इसको भी सही तरीके से चेक कर लेंगे कि हमारा ट्रैक बिल्कुल सही तरीके से जुटा कि नहीं। देख सकते हो कि हमारा ट्रैक जो गाइस टूटा भी नहीं है और प्लस सही तरीके से जुटा भी है, जहाँ आपको सटने का उम्मीद लगेगा वहाँ पर साफ सफाई कर दे, देख सकते हो कि हमने साफ सफाई कर दिया। ये गाइस जी ध्यान रखें लगाते टाइम टोन को। तो गाइस हमारा ये टोन लग के रेडी हो चुका है, फाइनली हम इस डेक को गाइस पलटेंगे और ध्यान रखें गाइस कि जो वाशर दे निकाल रखे गाइस वो पहले वाशर को भी डाल लेंगे गाइस, उससे क्या होता है कि ये जो हमारा जब कसते हैं तो गाइस ये सही तरीके से बैठ जाता है गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस देख सकते हो कि हमने बैठा दिया वाशर दे के, तो आप ऐसे ही गाइस काम करें। अब गाइस हम नट को कस देंगे, अब ये जो है हमारा ये बैलेंस ट्रेबल और बास टोन लग कर तैयार हो गया, लास्ट में गाइस हम इसका मेन वॉल्यूम टोन डाल देंगे। तो गाइस हमने देख सकते हो कि हमने इसमें नट भी लगा दिए गाइस, तो फाइनली हमारा मेन टोन रह गया, ऐसे ही गाइस इसको भी कर लगा देंगे टोन को। तो गाइस मेन टोन के लिए हमारा सॉकेट का वो भी है, तो सॉकेट का भी ये भी डालूंगा। तो गाइस इसको खोलने के लिए गाइस हम इस नट को खोल देंगे, तो गाइस हमें नट खोल दिए, देख सकते हो गाइस हमेशा ये जो इस साइड वाला पिन रहता है गाइस शॉर्ट होता है, शॉर्ट क्यों होता है आपको बता देता हूँ, क्यों गाइस ये हमारा अर्थिंग का पोल होता है, देख सकते हो कि हमने शॉर्ट कर दिया और गाइस ये हमारा एक ऑडियो का हो जाएगा एक सिग्नल का हो जाएगा जो कि एम्पलीफायर करके हमारे TDA 2009 बोर्ड को गाइस हमारा सेक्शन में जाता है जो, ताकि हमारा आवाज़ कम बेसी से होता है गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस हम फाइनली इसको कसेंगे, तो गाइस हमने नए टोन को कस दिए। तो गाइस आप घर पे काम कर रहे हैं तो गाइस एक एक तार हटा के एक एक तार जोड़ते जाएं, इससे क्या होता है कि हमारा जो है कनेक्शन गड़बड़ी नहीं होता और सही से टाके भी लग जाता है, ये ध्यान रखें गाइस। अगर घर पे इस तरह का टोन डाल सकते हो तो डालो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ सकते गाइस एक तार में, जैसे मान लो कि हमारा पीली वाली है तो पहले पीली वाली जोड़ देंगे, ऐसे स्टेप बाई हम इसको जोड़ देंगे गाइस, ये ध्यान रखें गाइस। वो कहते हैं ना नकल में भी अक्ल होना चाहिए, तो गाइस सेम टू सेम गाइस वही बात है, कुछ सोचोगे तो गाइस फर्स्ट क्लास के आपको डेक हो होम थिएटर हो तो गाइस इस तरह का सिस्टम आपको बनाने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाओ गाइस, ये ध्यान रखें और वीडियो गाइस पूरा देखें। गाइस चेक कर लेंगे कि हमारा कोई टाका वाका तो नहीं टूटा होगा गाइस, तो हमारा जो है टाका बिल्कुल सेफ पड़ेगा, ये ध्यान रखें। लास्ट में गाइस हम जो नट खोले थे गाइस इसको भी लगाएंगे, अन्यथा जो है हीटिंग होता है ज़्यादा ऐसे, क्योंकि गाइस हमारा ज़्यादा का है दो चैनल है गाइस, एक ही आईसी पे एक ही हीटिंग पे, इसलिए गाइस हम लगाएंगे इसको ताकि जो है ये गर्म होगा तो हमारा सारे बॉडी गर्म होगा इस। तो गाइस देख लो कि हमारा दो तार हमने हटा के इस पर जोड़ दिया, तो गाइस आप वैसे ही काम करें, अब काली वाली को हम इस पर जोड़ देंगे और लाल वाली को इस पर जोड़ देंगे, ये ध्यान रखें गाइस स्टेप बाई स्टेप एक एक तार हटाएंगे एक एक तार जोड़ेंगे गाइस, अगर घर पर गाइस आप लगा रहे तो। वही हमारा जो है टोन डल के रेडी हो चुका है गाइस, देख सकते हो गाइस कि हमारा टोन डल गया गाइस, तो आप ऐसे टोन को डाल सकते हो गाइस। तो फाइनली ये जो है अब ओके चुका है गाइस, अब फाइनली लास्ट का स्टेप रह गया है गाइस इस एम्पलीफायर डेक में गाइस, अब इसमें गाइस हम BT प्लेट मॉड्यूल कैसे लगा सकते हैं गाइस, मैं आपको अब इसके बारे में गाइस हम नॉलेज देंगे गाइस, ये ध्यान रखना आप एक एक चीज़ आपने डेक में कैसे लगा सकते हो गाइस,
तो आप इसके में मिल गया आपको हर चीज़ का। टोन कैसे बदल सकते हो, स्पीकर जैक कैसे बदल सकते हो, फ्यूज कैसे लगा सकते हो गाइस, इसके बारे में आपको नॉलेज मिल गया एक ही वीडियो में गाइस, आपको सारे नॉलेज मिल जाएगा लगभग। तो गाइस फाइनली हम इसका नोब डाल देंगे। तो गाइस नोब डालते टाइम ध्यान रखना है कि इसमें कट होता है गाइस, हमारा टोन में भी कट होता है गाइस। ये देख सकते हो कि हमने पुराना ले लिया, अब ध्यान से देखोगे गाइस कि हमारा कट है और कट के हिसाब से गाइस इसमें भी कट होता है। तो कट को कट मिला कर डालेंगे तो जो हमारा नोब टोन होता है गाइस टूटता नहीं है, ये ध्यान रखें। अन्यथा जिस साइड कट नहीं है उस साइड कट लगाओगे गाइस तो ये जो हमारा नोब गाइस टूट जाएगा, ये ध्यान रखें गाइस नोब लगाते टाइम। तो गाइस हमारा नोब डल के रेडी हो चुका है। फाइनली गाइस इसमें लाइट देके देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स है गाइस। तो गाइस हमने लाइट दे दिया, अब ये जो गाइस बिल्कुल ओके साउंड आ रहा है गाइस। फिलहाल अभी मैं गाना नहीं चला कर दिखा सकता, लेकिन गाइस जो हमारा हमिंग है गाइस दोनों चैनल में कम बेसी हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो कि हमारा हमिंग सही आ रहा है, यहाँ से कम करते तो कम होता है और कोई जो हमारा चिड़चिड़ापन की भी आवाज़ नहीं है। ध्यान रखें अब इसमें बीटी प्लेट डालेंगे। सबसे पहले गाइस हम इसका टोन जो है नट खोलेगा, ये नट लगा देंगे अन्यथा हम भूल जाएंगे। तो गाइस हमने देख सकते हो कि नट को भी लगा दिया हूँ। तो गाइस आप देखते हो ये मॉडल नंबर इस तरह का, अगर ये इसे मॉडल का आता है तो गाइस आप कैसे सही कर सकते हो गाइस, आपको अब इस वीडियो में गाइस पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो फाइनली गाइस हम बीटी प्लेट इसमें डालेंगे। तो गाइस इस एम्पलीफायर डेक में गाइस देख सकते हो कि हमारा बीटी मॉड्यूल बैठाना है। तो गाइस इसको बीटी प्लेट चिप बोलते हैं गाइस, देख सकते हो फाइनली। तो गाइस इसको कनेक्शन करने के लिए सारे मैनुअल इस पर रहता है गाइस, ये ध्यान रखें। फिर भी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। इसके लिए एक ये अपना चिप का जरूरत पड़ेगा बीटी मॉड्यूल का, और प्लस हमारा 7805 वोल्ट का एक ये ट्रांजिस्टर भी कर सकते हो या आईसी भी कर सकते हो गाइस, एक इसका जरूरत पड़ेगा। और गाइस हमारा जो है 5 वोल्ट का जीनर डायोड का जरूरत पड़ेगा गाइस। तो गाइस हमारा ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा, ये ध्यान रखें इसको लगाने के लिए, और प्लस रिबन वायर डलेगा। तो गाइस इसका कनेक्शन करने के लिए जहाँ हमारा फ़ोन का लाइन दिखता है गाइस, देख सकते हो हमारा टेप लिखा है गाइस, हम यहीं से तार गाइस हम यहीं से उठा के और इसको कनेक्शन करेंगे तो ये हमारा जो है ये साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको करके दिखाता हूँ या आप इसको कैसे इसको लगा सकते हो गाइस, ये ध्यान रखें गाइस। तो फाइनली आप इसका कनेक्शन करेंगे। तो गाइस देख सकते हो कि हमने 7805 ट्रांजिस्टर कह दिया, ये ध्यान रखिए कनेक्शन करने गाइस। जिस हिसाब से हमारा नंबर अपने साइड दिखोगे नंबर दिखता है गाइस, ये हमारा पहली पिन 12 वोल्ट हो जाएगा, तीसरी पिन ग्राउंड हो जाएगा, सॉरी दूसरी पिन ग्राउंड हो जाएगा और तीसरी पिन का जो है ना 12 वोल्ट का सप्लाई हो जाएगा। तो गाइस सॉरी 5 वोल्ट का सप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखिए गाइस। हमारा पहली पिन 12 वोल्ट, दूसरी ग्राउंड और तीसरी 5 वोल्ट। तो गाइस हम यहीं से इसका कनेक्शन दे देंगे, देख सकते हो गाइस कि हमारा बैटरी का कनेक्शन है। तो प्लस यहाँ पर मिलेगा 12 वोल्ट, तो गाइस हम पहली पिन पर दे देंगे। ग्राउंड यहाँ से मिलेगा तो गाइस हम दूसरी पिन पर दे देंगे, और ये जो गाइस हमारा पिन बचेगा लास्ट वाली, ये हमारा बीटी प्लेट पर जाएगा गाइस। तो गाइस देख सकते हो कि हमने पीली वाली तार को प्लस 12 वोल्ट और ये गाइस हमने नीली वाली तार को ग्राउंड बना रखे, हरी था गाइस। तो गाइस देख सकते हो कि हमने 5 वोल्ट का जीनर डायोड भी लगा दिया और ये हमारा माइनस है, ये गाइस हमारा प्लस 12 वोल्ट होता है। गाइस हमारा यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा, जिस साइड हमारा 5 वोल्ट निकलेगा उस साइड जो हमारा जीनर डायोड का कलर है गाइस काली हमारा इस साइड रहेगा, ये ध्यान रखें गाइस। अब फाइनली हम गाइस इस पर 2 तार लगाएंगे और गाइस हम इसके ऊपर कनेक्शन करेंगे अपने चिप के ऊपर, ये ध्यान रखें गाइस। इसका मैनुअल भी पढ़ सकते हो गाइस, तो गाइस आपको मैनुअल का बना दो, देख सकते हो वी आई एन लिख रखा है ये 5 वोल्ट का है, जी एन डी लिख रखा है ग्राउंड हो जाएगा, और लिखा है आर ओ टी रेफ्ट और लाइट और ग्राउंड का। तो गाइस हमारा ये इसका भी कनेक्शन यहीं से जाएगा, ये ध्यान रहे गाइस। तो गाइस हम इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ, फाइनली आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँगा गाइस आप इसे कैसे कैसे कनेक्शन कर सकते हो। किसी भी चीज़ में अगर बीटी प्लेट डालना हो तो गाइस इस हिसाब से आप डाल सकते हो गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस जो है हमारा बीटी मॉड्यूल पे गाइस हमने टाका मार दिया गाइस, देख सकते हो टाका मारते टाइम ध्यान रखना है गाइस कि हमारा आपस में ट्रेक ना सटे, देख सकते हो गाइस बिल्कुल साफ सुथरा गाइस। इस साइड देख लेना है गाइस हमारा ये जो है काली वाली को अर्थिंग बना रखे और ये ब्राउन कलर गाइस हमने 5 वोल्ट का सप्लाई बना रखे, और ये गाइस हमारा येलो आर लेफ्ट राइट का गाइस हमने तार है गाइस, ये ध्यान है गाइस। तो फाइनली गाइस हम इसको कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन टाइम ध्यान रखना है गाइस कि हम 5 वोल्ट का कहाँ सप्लाई दे रखे हैं गाइस। तो हमारा ये जो है ब्राउन कलर की गाइस ये हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई है, तो गाइस जो हमारा ये है यहाँ पर जुटेगा इस पोल पे, ये ध्यान है गाइस लगाते टाइम, अगर उल्टा सीधा लगा दो गाइस जो है हमारा बीटी मॉड्यूल गाइस हमारा ख़राब हो जाएगा, ये ध्यान रखें गाइस। तो गाइस देख तो कि हमने ब्राउन कलर को गाइस हमने
पाँच वाले सप्लाई पर जोड़ रखे और काली वाले गाइस हमारा माइनस है। तो गाइस ध्यान रखें, ये भी हो गया। और ये गाइस ध्यान रखें कि हमारा रेड जो तार है गाइस, सॉरी ये जो हमारा ये ऑरेंज कलर है गाइस, अर्थिंग बना रखे हैं। तो गाइस देख सकते हो ऑरेंज कलर वाले को हम अर्थिंग दे दिए और पीली वाले को मेन ऑडियो और लाल वाले को मेन ऑडियो हो गया गाइस। ये जो कनेक्शन करना होता है गाइस, जहाँ से हमारा फ़ोन का सिस्टम होता है गाइस, हम वहीं से इसको कनेक्शन करते हैं। तो गाइस हमारा जो है बीटी प्लेट में साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। ये ध्यान रखें गाइस। तो ये जो है कनेक्शन ओके हो चुका है गाइस। आप इस हिसाब से गाइस आप कनेक्शन कर सकते हो, बीटी प्लेट चिप हो गाइस, ये ध्यान रखें। तो गाइस फाइनली हम इसमें लाइट देकर देखते हैं क्या करता है गाइस। तो गाइस देख सो सीरीज में चेक करने का गाइस एक फ़ायदा और समझ आता है। देख सो कि हमारा पहले से गाइस जो तार था गाइस कटा हुआ था, और देख कई बार निकाले डाले तो गाइस बिल्कुल कट के आपस में सट गया था, और लाइट डाले तो गाइस बिल्कुल भड़ाका बोल दिया। अगर फेस में डालते तो गाइस हो सकता था कि हमारा जो है ये मेन ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, हो जाता। तो ये ध्यान है गाइस, जब तक ले बिल्कुल सही तरीके से बन ना जाए तब तक ले आपको मेन बिजली में नहीं डालना है, बस आपको सीरीज में लगा के चेक करना होता है गाइस। ये ध्यान रखें गाइस, अन्यथा जो है हमारा सर आज नुकसान हो जाता है गाइस। ये ध्यान रखें गाइस, सीरीज में यही चेक करने का गाइस फ़ायदा होता है गाइस। तो गाइस फाइनली हम लाइट दे दिए इसमें और बीटी प्लेट भी लगा रखा हूँ। फाइनली आपका स्पीकर के पास लेकर चलता हूँ गाइस। तो फाइनली गाइस देख सकते हो कि इसमें किस तरह से आवाज़ जो है आ रहा है। तो गाइस इस फॉल्ट में कई बार क्या होता है, जो कि हमारा बीटी प्लेट होता है गाइस, इस पर कम सप्लाई मिलता है, इसलिए गाइस कभी बीटी प्लेट आ रहा है कभी जा रहा है, तो इसके वजह से होता है गाइस। तो ये ध्यान रखें गाइस, इस फॉल्ट को कैसे दूर कर सकते हो। फाइनली गाइस देख सकते हो कि हमने कैपेसिटर ले लिए, ये रहा गाइस हमारा, गाइस 47/63 वोल्ट का हम कैपेसिटर ले लिए। इस पर लगा देंगे गाइस हमारा जो अभी ये कनेक्शन कर रहे थे, अब इस पर लगा देंगे गाइस, तो ये जो फॉल्ट है गाइस डिक्लेयर हो जाए। तो फाइनली आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ, इस तरह का आवाज़ आता है कि नहीं आता है दोबारा गाइस। ये ध्यान रखें गाइस, लगाते टाइम इसको ध्यान रहता है गाइस, इस प्लेट को जब तक पूरी सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक इस तरह का फॉल्ट आता रहेगा। आप लगा दोगे फिर कहोगे यार हमारा चिप खराब आ गया, ये आ गया, तो गाइस आप डरे नहीं। फाइनली अभी ये कैपेसिटर लगाएंगे, आपको फिर दोबारा स्पीकर की तरफ लेके जाऊंगा फ़ोन, और फिर आपको बिल्कुल डिक्लेयर आपको ये फॉल्ट भी आपको करके दिखाऊंगा पूरा। तो गाइस देख दो कि हमने कैपेसिटर लगा दिया। ये ध्यान रहे गाइस, ये जिस साइड हमारा रेघारी दिख रहा है ये गाइस, ये हमारा माइनस है। तो गाइस हमारा ये तीसरी दूसरी पिन गाइस माइनस है, और गाइस ये हमारा इस साइड कुछ नहीं दिखता, तो ये गाइस हमारा पॉजिटिव है। तो ये गाइस फाइनली हम इस पर 5 वोल्ट पर दे दिए गाइस, इस पोल पर ना दे गाइस। अब जो भी करना है गाइस हम इसी पोल पर करेंगे, इस पीली वाले तार पर गाइस कुछ नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना गाइस। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो कनेक्शन हमने कर दिया, और फाइनली गाइस हम इसमें लाइट देकर देखते हैं। तो गाइस हमने लाइट दे दिया, तो फाइनली हम लाइट दे दिए, देख सकते हो यहाँ पे ओके है। तो अगर देखो कि हमारा एम्पलीफायर जो वहाँ पे चालू है, और यहाँ पे गाइस बिल्कुल ओके साउंड आ रहा है। पहले चड़पड़ चड़पड़ की आवाज़ आता है, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। तो गाइस वो कैपेसिटर डालने के बाद हमारा जो है फॉल्ट कम्प्लीट हो गया। तो आप इस हिसाब से अपने बीटी प्लेट पे गाइस अगर सप्लाई कम मिलता है तो गाइस इस हिसाब से आप काम कर सकते हो गाइस। तो फाइनली इसमें दोबारा देखते हैं गाइस, फिर लाइट कर दिए फिर देते गाइस, ध्यान रखना। तो फाइनली गाइस ये जो है फॉल्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस। फाइनली हम इसको कसेंगे लास्ट ऑफ स्टेप में, भाई गाइस यही रह गया गाइस। फाइनली जो हमारा टाका लगा है, थोड़ी ग्लूकोन स्टिक डाल देंगे तो गाइस जो हमारा जो टाका है गाइस मजबूत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। तो गाइस हमने देख सकते हो ग्लू स्टिक डाल के और तार को चेप दिया गाइस। इसको चेपने के लिए गाइस थोड़ी इस पर ग्लू स्टिक डालेंगे और गाइस इसी प्लेट पर गाइस चेप देंगे। ध्यान रखें कि इस तरह का तार निकला गाइस उस पर ना चेपे, जहाँ खाली स्थान है गाइस वहाँ चेपे। देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं है, तो गाइस हम यहीं पर चेप देंगे गाइस, इसको फाइनल टच दे देंगे यहाँ पर बस। गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर चेप रहा हूँ, अगर सिग्नल इसको सही भी नहीं मिलेगा तो गाइस हम इसको बाहर भी चेप सकते हैं, ताकि जो हमारा है सही से इस प्लेट को सिग्नल मिलते रहे। फ़ोन जब बीटी प्लेट से ऑन होता है तो गाइस इसको सिग्नल की ज़रूरत है। तो फाइनल गाइस देखते हो ग्लू स्टिक डाल दिया हूँ, अब इसको चेप देंगे गाइस, ये ध्यान रखें गाइस। ज़्यादा कर इसके ना चलापे गाइस, अन्यथा ज़्यादा चिपक जाए तो गाइस टाका हटता नहीं जल्दी, फिर आपको हीट गन मारना पड़ेगा। तो गाइस हम हल्का ही चेप रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे रेंज पूरा कस के देखेंगे और कुछ दूर से नहीं पकड़ता है, तो गाइस जैसे प्लेट को गाइस हम बाहर कहीं चेप देंगे, ये ध्यान रखें गाइस। काम करना तो बिल्कुल अच्छी तरह से करें गाइस। तो फाइनली हम इसको चेप दिए गाइस, तो ये जो कनेक्शन है गाइस पूरा हो चुका है। सॉरी गाइस हम गाना वाना नहीं चला सकते, नहीं तो अगर गाना चलाने का होता तो गाइस हम गाना भी चला के देते, लेकिन इसका जो है बहुत अच्छा आवाज़ मिलेगा इसको, क्योंकि TDA 2000
9 AIC है गाइस, फर्स्ट क्लास के रिस्पॉन्स था गाइस। तो फाइनली ये हो, ये गाइस ओके हो चुका है फाइनली। आप इस हिसाब से गाइस अपने डेक को गाइस सही कर सकते हो। आपने देखा कि मैं इस पर क्या क्या काम किया हूँ, तो फाइनली पूरे वीडियो देखोगे तो गाइस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप डेक बनाने गाइस आपको बिल्कुल नॉलेज मिल जाएगा गाइस। तो फाइनली गाइस हम इसको अब हटा देते हैं, अब इसको कसेंगे गाइस। अब बिल्कुल ओके हो चुका है गाइस, अब कोई कंप्लेंट नहीं आएगा, बिल्कुल सही चलेगा, कभी भी कहीं भी खड़खड़ाहट की आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि हमने टोन को गाइस सारे नए डाल दिए गाइस, ये ध्यान है गाइस। तो इस तरह का अगर आपके पास सिंप्लीफाई रिपेयरिंग होने के लिए आया है तो स्टेप बाय स्टेप चेक करें और उसके हिसाब से गाइस सामान लगाते रहे, फिर जब लास्ट स्टेप होता है तो गाइस हम इसका ढक्कन उक्कन सारे ऑल टोटली गाइस हम डाल देंगे। देख सकते हो गाइस मेरे पास ये भी एक डेक बनने के लिए आया है, जो कि गाइस इसका मेन तार डालना है। देख सकते हो गाइस ये जो मदरबोर्ड है गाइस, हो सकता है 44-40 का होगा। तो फाइनली गाइस हम उसको छोड़ते हैं, पहले जो काम है गाइस ये काम करते हैं। तो काम करते थे हम ध्यान रखेंगे, तार को हटा दिए, अब स्पीकर में से जेक को तार निकाल देंगे और फिर इसको गाइस हम मोदा मारेंगे, फिर इसको गाइस जैसे खोले गाइस सेम टू सेम गाइस हम इसको ऐसे ही कस देंगे गाइस। तो गाइस ये जब भी ये कसते हो ध्यान रहे कि कस के ना कसे, अन्यथा जो है हमारा पावर टूट जाएगा, ये ध्यान है गाइस। तो गाइस ये फाइनली अब ये हो चुका है, अब इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे। तो गाइस हम ऊपर वाला कवर लगा देंगे इसका और नट मार देंगे, क्योंकि जो हमारा एम्पलीफायर है गाइस ये सही हो चुका है, इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हो गाइस। तो गाइस देख लो इसका जो सामान ये पड़ा है। तो गाइस फाइनली जो हमारा है डेक ओके हो चुका है गाइस। अगर वीडियो सही लगे तो गाइस पूरा देखे और गाइस पूरा देख के और समझे और गाइस अपने दिमाग में बैठा ले गाइस, इस तरह का डेक एम्पलीफायर आता है तो गाइस आप इसको कैसे सही कर सकते हो गाइस। देख सकते हो अब जो हमारा गाइस बिल्कुल ओके हो चुका है गाइस। धन्यवाद गाइस, लाइक शेयर कमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो गाइस पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए वीडियो स्पेशल बन के जाता है यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप कुछ सोचे और समझे और कुछ नया काम करने का दिल में उमंग पैदा हो गाइस और आप काम सही से सीखे गाइस। धन्यवाद।